क्या नाम तुम्हारा? अविन को ये पीछे वाला निनौना संकलापुर, ये हमारी ग्राम सभा उग्रा। ये क्या मामला था गाय का? हमें सुनने में आया है कई दिनों से यहाँ पे ये लोग डेरा लगाए हुए हैं। काफी दिनों से मैंने इसकी सूचना थाने में भी दी, पुलिस वालों को बताया, संज्ञान में किया, लेकिन ये बराबर चलता रहा। इसके आने के बाद आज मैं सुबह लखनऊ से वापस आ रहा था, मेरे पास फोन पहुंचा जो मेरे गांव के लोगों ने पूरी गाय बरामद की गई। आपने किसको सूचना दी थी उस पर? उस टाइम हमने ऐसे ही संज्ञान किया था जी, बताया था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे गाय, हमारे गांव वालों ने हमारे पास सूचना पहुंचाई जी कि प्रधान जी यहाँ दो दिन से वो गाय थी, वो गायब हो गई, वो फलानी जगह कटी है। तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने ऐसी सूचना दी चौकी, मैंने बताया भाई साहब मेरे यहाँ गाय काफी दिनों से, कि बरामद कराइएगा, मौके पे पकड़ाइएगा, देखिएगा। ये जो काटने वाले कई लोग थे? काटने वाले अभी तो मैं गांव आया हूँ, 5-6 लोग हैं इसमें। अच्छा, जो कौन से गांव के रहने वाले हैं? निनौरा के हैं, कुछ जरारी के भी, कुछ बड़ोसे के भी हैं, और सरड कुछ हमारे उग्रापुर में कुछ लोगों ने दी है, जहाँ से माल बरामद हुआ है। तो अभी तक कितनी गायें कट चुकी हैं? यहाँ अनुमान से लोग यही बता रहे कि कम से कम तो 10-12 गाय। ये थाना कमालगंज की घटना है, इसमें सुबह सूचना आई थी संभावित जो है यहाँ पे इस तरह की घटना का, जिसमें जो है फोर्स के साथ हमारी टीम पहुँची थी और मौके पे जो है एक जो मीट मिला है उसको लिया गया है कब्जे में, जिसको चेक कराने के लिए, वेरीफाई कराने के लिए वो भेजा गया है, और साथ ही साथ दो लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, और दो लोगों का और जो नाम इसमें निकल के आ रहा है उसके लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ये जितने भी लोग हैं इन सब के खिलाफ NSA के लिए, यहाँ के जो प्रशासन और पुलिस मिल के खिलाफ NSA की कार्रवाई करवा रहे हैं, और पूरी टीम जो है वहीं कैंप करके पूरा एक चेकिंग अभियान इस पूरे गांव में चलवा रहे हैं, ताकि कहीं इस तरीके की कोई और बात तो नहीं है, और इसमें जितने भी बाकी जो लोग हैं उनसे बात हो रही है, और भी लोग अगर इसमें प्रकाश में आते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की